CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम आरंभ। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज से तुम रोज अपनी कक्षा में रेडियो सुना करोगे। क्यों दोस्तों, है ना मजेदार बात? इस रेडियो से हम तुम्हारे लिए रोज नए नए कार्यक्रम सुनवाया करेंगे। ये वो कार्यक्रम हैं जो खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। दोस्तों, रेडियो सुनना तुम सबके लिए स्कूल की दिनचर्या का एक अंग होगा। तो दोस्तों, आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती शुरू होती है। दोस्तों, तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि न जान न पहचान दोस्ती कैसे? तो भाई, बात ये है कि मैं तो तुम सबको जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। क्यों, है ना? अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। ध्यान से सुनना। मैं हूं तुम्हारा दोस्त पोपटलाल। हाँ, पोपटलाल। तो भाई, आज से हम और तुम दोस्त हुए, तो फिर इसी बात पर जरा जोर से ताली तो बजाओ। और जोर से ताली बजाओ। अरे दोस्तों, तुम्हें ताली नहीं बजानी आती? भाई जरा जोर से ताली बजाओ ना। बस बस बस। अच्छा दोस्तों, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो हो गई। अब तुम ये पूछोगे कि मैं तुम्हें रोज क्या सुनाया करूंगा। दोस्तों, ये बात बताने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो ये कि तुम सब रेडियो के सामने इतना दूर दूर मत बैठा करो। देखो ना, पीछे बैठे कुछ दोस्त तो मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे। जरा रेडियो के पास खिसकाओ ना। ऐसे। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे दोस्तों को रेडियो के नजदीक बिठाएं। तो दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें क्या क्या सुनवाऊंगा। तो भाई, मैं तुम्हें सुनवाऊंगा ढेर सारी प्यारी प्यारी कविताएं, जैसे ये। बड़े सवेरे चिड़िया बोली चो 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 चो। बड़े सवेरे चिड़िया बोली चो 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 चो। छत पर बैठा मुर्गा बोला कुकड़ू को कुकड़ू को। छत पर बैठा मुर्गा बोला कुकड़ू को कुकड़ू को। मैंने
उठ कर ली अंगड़ाई, बिल्ली मौसी यूं चिल्लाई। मैंने उठ कर ली अंगड़ाई, बिल्ली मौसी यूं चिल्लाई। बड़े सवेरे चिड़िया बोली, चू 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 चू। बड़े सवेरे चिड़िया बोली, चू 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 चू। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? और हाँ, मैं तुम्हें कुछ मजेदार गीत भी सुनवाऊंगा। ये वो गीत हैं जिन्हें तुम गाना पसंद करोगे। पर हाँ भाई, गीत सीखने के लिए तुम्हें साथ साथ गाना भी होगा। क्या कहा, कैसे? अच्छा, तो लो सुनो ये गीत और गाने की कोशिश करो। काली सी बिल्ली, कैसा लगा गीत? बस भाई, ऐसे ही गाने की अगर तुम कोशिश करो तो तुम जल्दी बहुत सारे गीत सीख जाओगे। अच्छा भाई, ये तो हुई बात गीत और कविता की। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं एक मजेदार बात। और वो ये कि मैं तुम्हें खेल भी खिलाया करूंगा। हाँ दोस्तों, खेल। वाह भाई वाह, तुम भी सोच रहे होगे कि पोपटलाल तो रेडियो में बैठा है, हमारे साथ खेलेगा कैसे? दोस्तों, यही तो मजेदार बात है, मैं तुम्हें खेल भी खिला सकता हूँ। खेल के देख लो। क्यों भाई, खेलोगे ना? अच्छा भाई, अगर तुम सब खेलना चाहते हो तो जोर से कहो जी हाँ। ये हुई ना बात। तो भाई, खेल खेलने के लिए तुम्हें मेरी बात जरा ध्यान से सुननी होगी। और वो ये कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूं वही तुम
करते जाना। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूं वही तुम करते जाना। जैसे मैंने कहा अपने दोनों हाथ ऊपर करो, तो तुम अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेना। हाँ हाँ, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। सब दोस्त अपने दोनों हाथ ऊपर करो। अभी कुछ दोस्तों के हाथ ऊपर नहीं है। अरे भाई, सभी दोस्त अपने दोनों हाथों को ऊपर करें। ऐसे तो दोस्तों, इस समय तुम सब के दोनों हाथ ऊपर हैं, ठीक है? और अब तुम सब अपने दोनों हाथ नीचे कर लो। अपने दोनों हाथ नीचे कर लो। ऐसे। अब तुम कहोगे कि भाई ये भी कोई खेल हुआ? हाँ दोस्तों, यही तो खेल है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये खेल कैसे खेलेंगे। तो भाई, जब मैं कहूंगा ऊपर, तो तुम अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेना, और जब मैं कहूंगा नीचे, तो तुम अपने दोनों हाथ नीचे कर लेना। जब मैं कहूंगा ऊपर, तो तुम अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेना, और जब मैं कहूंगा नीचे, तो तुम अपने हाथ नीचे कर लेना। तो भाई खेल शुरू। ऊपर, सब दोस्त अपने हाथ ऊपर करो। नीचे, अब हाथ नीचे कर लो। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे। देखा, कुछ दोस्तों के हाथ ऊपर चले गए। अच्छा भाई, जिस दोस्त के हाथ ऊपर गए तो वो हार गया। अब की बार जरा ध्यान से खेलना। तो भाई मैंने कहा ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ऊपर। देखो तो, कितने दोस्तों के हाथ नीचे चले गए। अच्छा भाई, अब सब अपने हाथ नीचे कर लें। क्यों दोस्तों, कैसा लगा खेल? तो दोस्तों, खेल, गीत और कविता के अलावा मैं तुम्हें कहानियां भी सुनवाया करूंगा। मजेदार कहानी, इंतजार करना। और अब सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।